2017-18 के जो अनुदानों की पूरक मांगे यहाँ आई है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हूँ और उसे समर्थन देने के लिए मैं खड़ा हूँ। खास करके GST के बाद पहली बार सप्लीमेंटरी डिमांड चर्चा के लिए आई है और GST का अमल तो सही हो रहा है, कई लोगों को घाटा हुआ है, बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन इस माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के निर्देश में मैं एक लाना चाहता हूं कि GST का स्वीकार तो अभी सभी लोगों ने किया है, लेकिन खास करके जो मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास के लोग जो मिडिल क्लास के होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, जो फर्स्ट यानी वन स्टार हो या सेकंड ग्रेड के हो, उनके लिए ये GST एक मुसीबत पैदा हुई है। जब बिल हाथ में आते हैं तभी सेंट्रल GST 9%, स्टेट GST 9%, सर्विस चार्ज 8%, तो पहले से 28% ज्यादा पैसा ये मिडिल क्लास के लोगों को खाना खाने के लिए देने पड़ते हैं। माननीय मंत्री महोदय जी के मैं मंत्री महोदय से मैं विनंती करूंगा कि जो आम आदमी और मिडिल क्लास के जो ये लोग हैं उनके लिए इस बारे में सहूलियत देने की व्यवस्था आप करें, ऐसी मैं विनंती करता हूं। साथ साथ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि GST का अमल होने के बाद आज भी मुंबई के सारे कपड़ा व्यापारी उन्होंने बंद रखा है अपना व्यवहार। उनकी क्या मुसीबत है, उनके सामने क्या समस्या है, उनकी जानकारी भी आपने करके लेने की जरूरत है। माननीय इस प्रोडक्ट का सप्लीमेंटरी डिमांड के माध्यम से करीबन 11,167 करोड़ रुपए का डिमांड आपने रखा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास जा रहा है, लेकिन साथ में मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने तूर खरीदी करने के लिए, जो दालों की खरीदी करने के लिए 500 करोड़ की प्रोविजन इस सप्लीमेंटरी डिमांड में रखी है। अध्यक्ष महोदय, इस बार महाराष्ट्र के साथ कई राज्यों में तूर का उत्पादन अच्छी तरह से आया, भारी मात्रा से आया, जो अपेक्षा नहीं थी उससे भी ज्यादा आया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके वही तरीके से खरीदी नहीं कर सके। आज भी महाराष्ट्र के कई हजारों किसानों के पास तूर दाल बिना खरीदी पड़ी है और उनके सामने समस्या निर्माण हो चुकी है कि इतनी मेहनत के बाद एक उत्पादन आया लेकिन सरकार के माध्यम से खरीदी नहीं हो रहे, तो घर में तूर दाल होने के बावजूद भी उन्हें उनके गुजरान करना, उनका पैसा मिलना मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए 500 करोड़ तो आपने रखा है, साथ साथ में इसमें बढ़ोतरी भी करने की जरूरत है और जिनके पास जितना भी तूर है उनकी खरीदारी सरकारी भाव से करने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से करना चाहिए, ये मैं विनंती इस माध्यम से करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय के लिए यहाँ प्रोविजन की गई है, लेकिन मैं इस माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते में सारे वर्तमान पत्रों में एक समाचार छप के आई कि हमारे रक्षा डिपार्टमेंट के पास एक अगले 10 दिन के लिए हो इतना ही अलग 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 शस्त्र है, आयुध है, एक चिंता की बात हुई, सारे देश में चिंता निर्माण हुई कि एक तरफ चीन का जिस तरह से आक्रमण की एक परिस्थिति निर्माण हो चुकी है, दूसरे तरफ अन्य देश अपने खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, और ऐसी स्थिति में CAG ने जो रिपोर्ट दिया और CAG के माध्यम से इस देश में सिर्फ 10 दिन के लिए जो आयुध है, ऐसे जो छपके न्यूज आई, समाचार आई, उसे हम लोग सारे देश चिंतित है। माननीय मंत्री महोदय जी ने भी इसके ऊपर ध्यान देकर इसके बारे में खुलासा करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमेंटरी डिमांड में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है, एक अच्छी बात है, आज जरूरत है एक बढ़ती हुई
ये यानी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी तरह से शिक्षा मिले और एडवांस टेक्नोलॉजी का उन्हें फायदा हो, इसीलिए सारे के सारे स्कूल डिजिटल स्कूल करने की जरूरत है। लेकिन साथ में मैं और एक ध्यान में लाना चाहता हूँ कि एक तरफ डिजिटल स्कूल का करने के लिए तो निजी राशि रखिए, लेकिन उसके लिए क्लासरूम की जरूरत है। आज ग्रामीण इलाकों में जो जो स्कूल है वहाँ के सैकड़ों हजारों स्कूल के क्लासरूम कई वर्षों से ऐसे पड़े कि उनकी मरम्मत करने की जरूरत है, उनके लिए पुनर् यानी रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, उसके लिए भी प्रोविजन करने की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि डिजिटल इंडिया के साथ साथ उसके लिए जो अच्छा क्लासरूम चाहिए उसके तरफ भी सरकार का ध्यान अच्छी तरह से हो जाएगा और उसके लिए प्रोविजन भी वैसे करके रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक बात ऐसी है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए भी कई राशि यहाँ रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, पिछले आप तो जानते हैं कि किसान होने के नाते से फसल बीमा का आखिरी दिन कल 31 जुलाई था और तबाह मची थी खास करके महाराष्ट्र में और कई राज्यों में कि सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में किसान बैंक के पास जाके खड़े हुए थे, लेकिन बैंक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो अर्जी भरना चाहिए था वो काम सही तरीके से नहीं हो रहा था। ऑनलाइन फॉर्म भरना था लेकिन कई जगह पे सर्वर डाउन, कई जगह पे बिजली गई, कई जगह पे कनेक्टिविटी गई और बैंक के सामने जो हजारों किसान खड़े थे उनमें से चुने गुने 10-15 लोगों का अर्जी भर चुके, बाकी के लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा मिला नहीं है, इसके लिए किसान चिंतित हो गए। सद्भाग्य से महाराष्ट्र सरकार ने 5 दिन की बढ़ोतरी दी है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। महाराष्ट्र के किसान कृषि मंत्री है, उन्होंने केंद्र सरकार के पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अर्जी भरने के लिए कम से कम 15 अगस्त तक उसे और सहूलियत दिए ऐसी मांग की है और इस माध्यम से मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा एक अच्छी योजना है, उसका फायदा सारे किसानों को तो होना ही चाहिए और इसीलिए ये जो सहूलियत है वो 15 अगस्त तक फॉर्म भरने की सहूलियत होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमेंटरी डिमांड के ऊपर हम जब चर्चा करेंगे तब मैं सरकार का कई ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शेयरिंग योजना थी वो बंद हो चुकी है। जैसे कि पीएम जयश्वाय ग्राम विकास की जो अच्छी योजना माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में शुरू हुई और एक गए बरस तक चालू थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उसके लिए पैसा है नहीं। तो दूसरी बात ऐसे कि राष्ट्रीय पेयजल योजना ये भी ऐसे गरीब लोगों को पानी देने के लिए एक अच्छी व्यवस्था इसके माध्यम से हो चुकी थी, लेकिन राष्ट्रीय पेयजल योजना का भी पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। सद्भाग्य से केंद्र सरकार ने उसके लिए अभी आदेश दिए है, लेकिन राशि की प्रोविजन करने की जरूरत है, इसलिए इस सप्लीमेंटरी डिमांड के ऊपर मैं जब बात करूंगा तब मैं आपको एक ही विनंती करूंगा, आपके माध्यम से सरकार को विनंती करूंगा कि इसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की सारे के सारे शेयरिंग स्कीम योजना जो गरीबों की है वो उसके फिर से शुरू करने के लिए उसके राशि का प्रावधान करें और गरीब लोगों का आशीर्वाद ले। धन्यवाद।